अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान आर्मी की जानब से ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, और उस वीडियो में मैंने आपको उन जॉब्स के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जो है डिटेल बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी चैनल को विज़िट करें और उस वीडियो को जो है देखें। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। और उस वीडियो में मैंने आपको उन आर्मी की जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी थी, और इस वीडियो में मैं आपको जो है अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होगा वो बताने लगा हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी आपको इस तरह गवर्नमेंट जॉब्स की डेली अपडेट्स जो है मिल सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक दिया गया है, जिसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, और उसके बाद जो है आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने हैं, यानी आप ना ख्वांदा हैं, बस अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, या अगर आप मैट्रिक कर रहे हैं, या तीसरे नंबर पर ऑप्शन आते हैं यहाँ आपने मैट्रिक कर लिया है, तो यहाँ से आपने फिर देख के सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने मैट्रिक कर लिया है तो आप तीसरे नंबर पर क्लिक करेंगे।
आप वो ड्राइवर के रिलेटेड डिटेल मांग रहे हैं, यानी कि मेरे पास लाइट ट्रैफिक लाइसेंस है या फिर हैवी ट्रैफिक लाइसेंस है, यानी छोटी गाड़ियों का लाइसेंस है या फिर बड़ी गाड़ियों का, तो वो अगर आपने कर रखा है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कौन सा आपके पास लाइसेंस है। यहाँ पर आपने अपना लाइसेंस नंबर लिखना है, इशू डेट आपने लिखनी है, उसके बाद जो है आप प्लेस ऑफ इशू लिखनी है, उस शहर का नाम आपने लिखना है। नीचे अगर आपने नर्सिंग किया है तो नर्सिंग डिप्लोमा, यहाँ पर उसके इदारे का नाम इंस्टीट्यूशन, उसके बाद यहाँ पर नीचे इनिशियल टेस्ट, यहाँ पर आपने बताना है कौन सा कैसे आप अपील होना चाहते हैं टेस्ट में, यानी कि अगर आप रिटर्न टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिटर्न वाले पर क्लिक करेंगे, अगर आप कंप्यूटर पर टेस्ट देना चाहते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने फैमिली इंफॉर्मेशन देनी है अपनी, यानी कि अपनी वालदा की तालीम आपने यहाँ पर बतानी है वो कितनी पढ़ी हुई हैं। उसके बाद अगर वो नहीं पढ़ी हुई तो बस आपने इलिटरेट पर क्लिक करना है, अगर 5 पढ़ी हैं तो प्राइमरी, 8 मिडल, 10 मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इतना तो आपको पता ही है। उसके बाद अपने फादर का प्रोफेशन आपने बताना है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सिविल जॉब करते हैं या बिजनेस मैन हैं या एग्रीकल्चर हैं या अगर कोई और जॉब इनमें से अगर कोई वो करते हैं तो आपने यहाँ पर कोई सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं करते इनमें से तो आपने अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ज़रूरी नहीं कि वो जो उन्होंने दिया वही करना है, जो अगर वो कर रहे हैं तो वो ज़रूर सिलेक्ट करें, अगर नहीं कर रहे तो वो फिर आपके पास ऑप्शन होता है अदर वाला, तो आपने उस पर क्लिक करना है। नीचे आपने अपने वालिद का जो होता है रैंक है वो लिखना है, और उसके बाद फादर ऑर्गेनाइजेशन मुलाजमत की जगह की तफसील आपने यहाँ पर बतानी है, किस दुकान में किस शहर में उसका जो पता वगैरह है वो आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर बताना है अगर तो आपके फादर ज़िंदा हैं तो अलाइव, अगर नहीं है तो डिसीज़ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी वालद की जो महाना आमदनी है यानी महीने की वो कितना कमा लेते हैं वो आपने यहाँ पर बताना है, 10,000 या इससे कम, 11,000 से 20,000 तक, जितना भी फिर आपकी जो इनकम होगी वो आपने यहाँ पर बतानी है। उसके अलावा नीचे आपने बाप और माँ के अज़वाजी हैसियत, यानी कि वो इकट्ठे रह रहे हैं या फिर डाइवोर्स हो गई है या फिर सेपरेटेड हैं या फिर फादर डेड हो गए हैं या फिर आप यतीम हैं अपना या फिर मदर या फिर दोनों डेड हो गए हैं, आपने जो है यहाँ पर उनका अज़वाजी हैसियत फैमिली स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर बताना है। नीचे आपने कैंडिडेट यहाँ पर आपने बताना है कि आप किसके साथ रह रहे हैं, आपकी ज़ेरे तरबिया आप किसके ज़ेरे तरबियत हैं, तो अगर आप फादर के हैं वालदा के नहीं हैं तो फादर के क्लिक करना है, अगर आप वालदा के हैं फादर के नहीं हैं तो वालदा पर क्लिक करना है, अगर दोनों आपके साथ रहते हैं तो आपने दोनों वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपने बताना है अपने आपके कितने भाई हैं, दूसरे वाले पर आपने बताना है आपकी कितनी बहनें हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपने बताना है बहन भाइयों में से आपका पैदाइशी नंबर आपका कौन सा है, आप कौन से नंबर पर आते हैं, ये सब जो है आपने अच्छे से ध्यान से फिल कर लेना है, और बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको रॉन्ग देंगे तो आपको पता ही है आर्मी वालों का वो आप रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा नीचे आपने आना है, यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा, कोड आपको कहाँ से मिलेगा, साथ ही आपको ग्रीन कलर में आपको कुछ वर्ड मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर AXQWK लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर वैसे ही लिख देना है AXQWK, ऐसे आपने लिख के यहाँ पर नीचे आपको सबमिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी, इस तरह आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, बहुत ही आसान है और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, साथ बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ बिला तख़ीर आपको मिलती रहें।